अब हम क्या कहें, हमारे तो लाइफ में एक ही उसूल है कि या तो वादा करो मत और करो तो उसको पूरा करो। क्या वादा किया था हमने कि आपकी मुलाकात हम मान से करवाएंगे, तो वादे से मुकर नहीं रहे हैं। अब दिल खोल के करिए अपने मान से बातें, क्योंकि वो हो रहे हैं आपसे रूबरू। आज फ्राइडे है, सास बहू और बेटिया में लेटर्स का डे है, तो आप ये जो झोला देख रहे हैं मेरे हाथ में, इसमें बहुत सारे लेटर्स हैं। आइए आइए देखिए, ये बहुत सारे हैं मेरे और गीत के लिए। तो गीत तो है नहीं, वो दूसरी जगह शूट कर रही हैं, तो मैं खुद आइए सारे लेटर्स बैठ के पढ़ने वाला हूँ। चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है। इनका ये मौसमी है। मुझे गीत और मान बहुत बहुत अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। मैं हर रोज आप लोगों का सीरियल देखती हूँ, एग्जाम में भी देखती हूँ, एग्जाम में भी देखती हूँ। मैं हर रोज सोचती हूँ कि कब आप लोग से मिलूंगी। प्लीज आ जाइए, हम लोग यहाँ पे शूट करते हैं। बॉम्बे एड्रेस ही आप बता देंगे। हम आपको जरूर साथ लेकर आएंगे। तो हम चाहते कि आप कोई नेक्स्ट कोई अच्छा सा कार्ड हमें दिख रहा है। 10 थिंग्स ये बनाया कि ये सुष्मिता ने भेजा है। आप देख सकते हैं ये ग्रीटिंग कितना लंबा है, कितना बड़ा है, खुलने के बाद खुलता चला गया। थैंक यू सुष्मिता। प्यार भरा खत मिला आज तक, जैसे ये लव 10 थिंग्स शी कैन डू फॉर यू और समथिंग। सभी बहुत प्यार से भेजते हैं, लेकिन फिर भी जिसे देखकर देविना को बहुत जेलसी हुई है। देविना को कभी जेलसी होती ही नहीं है, उनको एक्चुअली खुशी होती है कि जब आता है कि वो देखती है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो भी बोलती है कि जब भी गुरमीत बहुत, मैं जब भी, मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत कभी मन नहीं लग रहा हो, कभी रोज शूट हो रहा है, आप थक जाते हो, तो ये सब चीज़ें जब आप देखते हैं, पढ़ते हैं, यू नो, एक एनर्जी आती है, लगता है कि नहीं मुझे वापस काम करना और अच्छा करना और हमेशा हर एक दिन अच्छे पे अच्छा करते जाना है। एक फ़ैन थी जो कि हम जब आउटडोर शूट कर रहे थे तो वो मिड 30s में थी, वो हम लोग कहीं बाजार में थे, जा रहे थे, तो पीछे से आई थी और उनके पास पेन और कागज़ नहीं था, तो भाग के लेके आए, लिखा कि हम आपका शो बहुत देखना पसंद करते हैं। वो पहला था जो कि बहुत अच्छा लगा, जो भूल नहीं सकते। इतने सारे नाम तो मैं पढ़ नहीं सकता, 530 है, डायलॉग्स भूल जाऊंगा अपने मैं। लेकिन बहुत बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का ये लेटर्स मिलते रहते हैं हमें और हम पढ़ते रहते हैं, ऐसे प्लीज भेजते रहिए और कुछ गिफ्ट भी भेजते रहिए। मजाक कर रहा हूँ, आप ऐसे भेजते रहिए, बहुत बहुत अच्छा लगेगा। तो अगले फ्राइडे हम फिर से मिलेंगे, थैंक यू। भाई हम औरतों को क्या चाहिए होता है, थोड़ा सा पैसा, मतलब थोड़ा सा पैसा और उन पैसों से बस थोड़ी सी शॉपिंग। अब ये मौका पता नहीं हमें तो कब मिलने वाला है।